हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज का अपना टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कलरलेस होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब अपने देख लिया था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसमें आपको क्या पढ़ना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का आपको स्ट्रक्चर तो पता है बेटा, क्या है इथेनॉल का स्ट्रक्चर, C2H5OH। ये क्या है आपका जो फॉर्मूला है इथेनॉल का वो है। ठीक है, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बहुत ही ईजी है, इसमें दो दो रिएक्शंस आपको पढ़नी है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, जैसे अगर अपन पहली रिएक्शंस अगर देखते हैं तो रिएक्शंस विद सोडियम मेटल आपको देखना है। पहली जो रिएक्शन आएगी तो रिएक्शन विद सोडियम, ठीक है, किसके अंदर आएगी उसकी रिएक्शन विद सोडियम, मतलब Na के साथ में उसके आपको क्या करना है, रिएक्शंस टेक्स प्लेस करना है। ठीक है, रिएक्शंस विद सोडियम, चलो देखते हैं रिएक्शंस क्या होगा। सोडियम, ठीक है, रिएक्ट विथ किसके साथ में, इथेनॉल। इथेनॉल कौन है आपका, इथेनॉल को अगर अपन लिखते हैं तो मैंने बताया था कि ये C2H5 को अपन इस प्रकार बेस भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH, तो इस प्रकार यहाँ पे अपन लिखते हैं। ठीक है, तो OH, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी जगह कम गिर रही है तो प्रोडक्ट में थोड़ा पास में लिख देता हूँ, चलो ध्यान दो इधर। ठीक है, क्या करना है आपको, सोडियम लेना है Na, साथ में CH3CH2OH, ये रिएक्शंस आपको करनी है। ये कौन है आपका सोडियम, ये कौन है बेटा आपका, इसके नीचे भी मैं नेम लिख देता हूँ, सोडियम, और ये है आपका इथेनॉल। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी कभी मेटल की रिएक्शन अगर इथेनॉल के साथ में होती है, खासकर सोडियम मेटल की रिएक्शंस अगर इथेनॉल के साथ में होती है, तो सबसे पहले वहाँ से हाइड्रोजन गैस ये रिमूव होती है। कौन सी गैस रिमूव होती है बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ से निकल सकता है, सिंपल सी बात है, जो OH में से H ये रिमूव हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस अगर बोलते हैं तो वो H2 के फॉर्म से निकल जाएगी, बराबर है। लेकिन यहाँ पे H कौन है, सिंगल ही है, यहाँ पे H कौन है बेटा, सिंगल, ये पूरा कंपाउंड जो है सिंगल ही है ना H यहाँ पे, तो इसको H2 मतलब टू टाइम्स निकला, तो यहाँ पे आपको सफिक्स क्या ऐड करना पड़ेगा, 2, तब जाके ये H2 के फॉर्म में, मतलब पूरा सब्सटेंस डबल हो गया, तो ये यहाँ से H ये 2 के टाइम पे बाहर निकल जाएगा। पॉइंट समझ में आया, अब देखो ये H यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे बचा कौन, ये CH3, ये CH2 और ये बच्चा O, बराबर है, वैकेंसी क्लियर होगी, ये निकल गया तो O अकेला पड़ा, तो ये O के साथ में ये Na कंबाइन हो जाता है, तो O के पास में आके अटैचमेंट कौन हो जाएगा, Na, ये भी 2 टाइम्स था तो ये भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा आपको, देखो सब्सटेंस जैसा का ऐसा, लेकिन ये Na अब यहाँ जाके कितना बन गया, 2 टाइम्स बना, और ये साइड में सिंगल है तो यहाँ पे भी आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शंस आपकी पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये जो नाम पड़ा, ये क्या नाम, जो सब्सटेंस आपको मिला ये है सोडियम आपका इथॉक्साइड, कौन है, सोडियम इथॉक्साइड, और ये कौन सी गैस है आपकी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये प्लस साइन थोड़ा सा ऐसे सेंटर में लिख देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये पहली रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगी। क्या किया आपने कि रिएक्शन विद सोडियम मेटल के साथ में किया, किसके साथ में, इथेनॉल, क्योंकि प्रॉपर्टीज अपन किसकी पढ़ रहे बेटा, इथेनॉल की, पॉइंट समझ में आया, तो इथेनॉल के साथ में अपने रिएक्शन की सोडियम की, जब ऐसा किया तो वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये चीज ध्यान में रखना, जैसे हाइड्रोजन गैस रिमूव हुई तो H2 के फॉर्म में निकलेगी, हाइड्रोजन सिंगल एटम नहीं निकलता, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिलीज होता है, इट मींस दैट हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो H2 के फॉर्म में निकल जाएगी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट रहेगा O के साथ में ये मेटल अपना अटैचमेंट हो जाएगा, मतलब Na, तो प्रोडक्ट क्या मिला, CH3CH2ONa, उसका नाम रहेगा बड़ा सोडियम इथॉक्साइड, क्या नाम मिलेगा, सोडियम इथॉक्साइड, ये पहली रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसी के अंदर में जो दूसरी रिएक्शन आती है बेटा वो आती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, कौन सी आती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन आती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जनरल एग्जांपल अगर अपन लिखते, जिस दिन अपना पेट खराब होता है, जिस दिन आपको लूज मोशन होता है, उस दिन अपन सीधा सीधा भागते हैं, इट मींस दैट आपके बॉडी में से वाटर अमाउंट लेस होता है, मतलब वाटर का जो भी अमाउंट आपके बॉडी में है वो 2 नंबर की प्रोसेस से बॉडी के बाहर अपन फेंकते हैं, दैट इज कॉल्ड
डिहाइड्रेशन, लूज मोशन। सिंपल सा मीनिंग लेना, डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, क्या याद रखेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर। तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन करने, किसके साथ में, इथेनॉल के साथ में। ठीक है बेटा, तो इथेनॉल लेना पड़ेगा, तो रिएक्शन किस प्रकार होगी, सिंपल सी है, इथेनॉल कौन है आपका, यस CH3CH2OH। जब अपन डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपको उसका टेम्परेचर जो है एट 170 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा, साथ में एक कैटालाइज यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड। क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रिमूवल ऑफ वाटर करना है। ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होगा, मीनिंग ध्यान में रखना है इसका। ठीक है, मैं अलग पेन से आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर मतलब वाटर को क्या करना है, आपको बाहर निकालना है या फिर रिमूव ऑफ वाटर करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहां से क्या होगा, ये OH है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर अपन देखते हैं तो वो आएगा बेटा आपका H2SO4। क्या आएगा, H2SO4। तो ये जो H2 है, यहाँ पे देखो OH, ये तो निकाल देंगे अपन बाहर, OH है, और एक आपको हाइड्रोजन की गरज गिरती है, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि नहीं, ऑलरेडी यहाँ से एक हाइड्रोजन ऑलरेडी लिबरेट हो चुका है, अब इसके पास से अपन क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। ठीक है, इसके पास का एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये बन गया CH2, बराबर है, एक बॉन्ड खाली हो गया इसका। ठीक है, बाद में फिर सिंगल बॉन्ड एक, फिर CH2, यहाँ से OH निकल गया, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली, इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली, ये दोनों क्या करते, दोनों मतलब अनस्टेबल हो गया ना, इसका OH निकल गया, इसका H निकल गया, दोनों का मिला के यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया ना, बराबर है। अब ये दोनों क्या करते, भैया मैं भी अनस्टेबल हूँ, तो ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन फिर से इन्वेस्ट करते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से अपने एक एक इन्वेस्ट करते हैं और बीच में आपका डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, डबल बॉन्ड। तो मतलब ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल जो है ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस के बाद में कन्वर्ट होता है बेटा इथीन के अंदर में, किसके अंदर में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल गेट विल कन्वर्टेड इनटू इथीन इन द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। ये अच्छे से समझना, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड एट द टेम्परेचर ऑफ 170 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट समझ में आया, ये था आपका कौन सा, पहला। अब दूसरी जो पॉइंट अगर यहाँ पे देखते हैं, तो पहला अपन ने पढ़े बेटा कौन सा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। अब दूसरा प्रॉपर जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड, ठीक है, ये होता क्या है ये आपको देखना है। ठीक है, चलो, तो इसके अंदर में बेटा आपको इसके अंदर में भी दो रिएक्शंस पढ़नी है। पहले अगर रिएक्शंस देखते हैं तो पहली रिएक्शन आएगी रिएक्शन विथ बेस, ठीक है। तो इसके पहले अपन ने लोअर क्लासेस में आपने पढ़ चुका है, ये एसिड है, ठीक है ना, इथेनॉइक एसिड, एसिड की रिएक्शन अगर अपन बेस के साथ में करते हैं तो इस प्रकार का क्राइटेरिया अपन ने देख चुके हैं, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये पढ़ चुके हो ना आप लोअर क्लासेस में, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना, केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी बेटा, इथेनॉइक एसिड की, ठीक है। अब इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, यू नो वेरी वेल, CH3COOH, ठीक है, ये एसिड हो गया आपका कौन सा, इथेनॉइक एसिड। अगर यहाँ पे अपन नाम लिख देते हैं तो ये बन जाएगा आपका इथेनॉइक एसिड। अगर बेस लेना है तो बेस का बेस्ट एग्जाम्पल अपन हमेशा की तरह यूज करते हैं NaOH, यू नो वेरी वेल, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं उसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब यहाँ पे होगा क्या, सिंपल सी बात है, जब भी बेटा अपन एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में करते हैं वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेगा, देखो ये OH निकलेगा और ये वाला H निकलेगा, ठीक है, OH और H को कंबाइन कर दो तो वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा और जो Na है इसके साथ में अटैचमेंट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, CH3, देखो COO और Na साथ में आपका वाटर मॉलिक्यूल अलग निकल जाएगा।
ठीक है। इसका जो नाम है, इसके पहले अपने देखा है इसका नाम, क्या नाम है, CH3, ठीक है, COONA, तो इसका नाम है सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, ठीक है, सोडियम इथेनोएट, OATE। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपको COO दिख रहा है ना, एक फंक्शनल ग्रुप है, ये जो इसके पहले अपन ने देखे हैं, क्या देखे बेटा, इसके पहले फंक्शनल ग्रुप जो अपन ने इसके पहले पढ़े हैं, यू नो वेरी वेल, क्या पढ़े हैं फंक्शनल ग्रुप, ईथर पढ़े हैं और ईस्टर पढ़े हैं, ईस्टर बराबर है, ईस्टर के अंदर में COO ये वाला ग्रुप होता है, ठीक है, ईस्टर जो यहाँ पे COO दिखे वो फंक्शनल ग्रुप आपका ईस्टर होता है, ईस्टर के अंदर में आपको क्या करना होता है, लास्ट ई को रिप्लेस करना होता है और उसके जगह पे OATE ऐड करना होता है, लास्ट ई को रिप्लेस करना होता है और OATE ऐड करना होता है, देख लो यहाँ पे वही किया, COO दिखा, ठीक है, NA के साथ में मतलब सोडियम निकाल दिया, अब COO दिखा, उसके साथ में कार्बन कितने, 1 और 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला कौन सा बेटा, इथेन, इथेन का ई रिप्लेस किया, ETHAN, ई रिप्लेस किया और क्या ऐड कर दिया, OATE मतलब सोडियम इथेनोएट, बराबर है। इसी से एक रिलेटेड, एक जो कंफ्यूजन आपको करता है, ईस्टर का तो क्लियर हो गया, ईस्टर मतलब COO, और जो इथर था ईस्टर से रिलेटेड था जिसका नाम था ईथर, और ईथर का जो था वो था बेटा आपका ओ, इसमें कोई चेंजेस नहीं था, डायरेक्ट अपन ईथर ही वर्ड ये ऐड करते थे, याद है, इसमें ई का रिप्लेसमेंट नहीं था, क्लियर। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आपके प्रीवियस पेज पे दिए हैं, ये सेम चैप्टर में, वहां पे थोड़ा सा देख लेना, ईस्टर और ईथर, ठीक है, ईस्टर का मतलब ध्यान में रहेगा COO, गॉट इट, तो ये प्रकार के, तो पहली रिएक्शन समझ में आई, इथेनोइक एसिड जो आपका ये बेस के साथ में रिएक्ट हुआ, प्रोडक्ट क्या मिला, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट इज अ सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल शुड बी रिलीज, ये वाले क्राइटेरिया के हिसाब से आपकी पहली रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन जो आती है वो आती है बेटा एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन आती है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये एक्चुअली होती क्या है, ठीक है, इन शॉर्ट में आपको दिया है कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होती क्या है, सिंपल सी बात है, चीज ध्यान में रखना, जब भी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होती है मतलब आपको ईस्टर ये आइडेंटिफाई करना होता है और यहाँ पे इथेनोइक एसिड ये इथेनॉल के साथ में रिएक्ट होती है, क्या बोला मैंने, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल एज अ कैटलिस्ट ऑफ एसिड टू फॉर्म ईस्टर विथ वॉटर मॉलिक्यूल्स, तो रिएक्शन थ्रू देखते हैं कि भाई इथेनोइक एसिड क्या है आपका CH3COOH, रिएक्ट विथ किसके साथ में बोला मैंने, इथेनॉल के साथ में, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है CH3CH2OH एज अ कैटलिस्ट ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है, कोई भी एसिड डाल देंगे तो ये कैटलिस्ट क्या होता है, सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करता है बट नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, दैट इज द यूज ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल सीधा फॉर्म होगा, कैसे बेटा देखो, ये OH और ये वाला H क्या हो जाएगा, कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा और ये CH2 और CH3 जो है ये अटैचमेंट हो जाएगा ये COO के साथ में, चलो ध्यान दो, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका CH3, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जगह नहीं है तो ये जो प्रोडक्ट है मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, ये रहेगा आपका एसिड एज अ कैटालिस्ट के फॉर्म में, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा देखो इसके नीचे, ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है, और ये कौन हो गया आपका बेटा इथेनॉल, ठीक है, प्रोडक्ट जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, एरो करके प्रोडक्ट जो मिलेगा ये OH और ये H कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा, वाटर मॉलिक्यूल, बचेगा कौन ये CH3COO, बराबर है। अब इसके साथ में अटैचमेंट कौन होगा, इसके साथ में जो अटैचमेंट होगा ये CH2 और CH3, तो कार्बन की बॉन्डिंग अपन चेक करते हैं तो ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3 और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मिथाइल ग्रुप अटैचमेंट है, ये इथाइल ग्रुप अटैचमेंट है, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट मिला देखो बॉन्ड COO और दोनों साइड में R अटैचमेंट है, अल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे मिथाइल है यहाँ पे इथाइल है, दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप, जैसे ये दिख रहा ना आपको बॉन्ड COO, तो ये साइड में भी R अटैचमेंट रह सकता है, ये भी R अटैचमेंट रह सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी जो है ये R अटैचमेंट रह सकता है, R अटैच रह सकता है, इसका मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप उसके साइड
एंड में क्या रहेगा, अटैचमेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड। अब ऐसा है तो ये हो जाएगा बेटा आपका ईस्टर। कौन फॉर्म हो जाएगा, देखो कौन फॉर्म मिला आपको, ईस्टर। और इसका जो नाम अगर अपन दूसरा देखते हैं तो वो आएगा आईयूपीएसी नेम के हिसाब से अगर देखते हैं या फिर अलग से देखते हैं तो ये बनेगा आपका इथाइल एसीटेट। क्या बनेगा, इथाइल एसीटेट, ये इसका नाम रहेगा। समझ में आई बात। तो ये हो गया बेटा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। ठीक है, इसमें कोई भी रिएक्शन, चारों में से कोई भी एक या दो रिएक्शन आपको पूछते हैं, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, और कोई डिफिकल्टीज आई तो पूछना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। सो थैंक यू।